कवर्धा में बीते 13 मई 2021 को जिला पुलिस बल और डीआरजी की टीम ने सर्चिंग के दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर दो इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक महिला नक्सली भी शामिल थी। गिरफ्तार नक्सलियों ने पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे किए हैं। नक्सलियों की निशानदेही पर कवर्धा पुलिस ने भोरमदेव अभ्यारण्य से भारी मात्रा में नक्सली सामग्री, कारतूस, बम बनाने के सामान, राशन समेत 10 लाख रुपए बरामद किए हैं। कवर्धा एसपी शलभ कुमार सिन्हा ने बताया कि 13 मई 2021 को नक्सली देवाकर, जो कान्हा भोरमदेव डिवीजन कमेटी के विस्तार प्लाटून 2 का सचिव है, महिला नक्सली लक्ष्मी संगठन की सदस्य है। गिरफ्तारी के वक्त दोनों कोरोना पॉजिटिव थे। दोनों का इलाज कोविड सेंटर में कराया गया। बेहतर इलाज और अच्छी देखरेख के कारण दोनों ने पुलिस की सहयोग करने की इच्छा जाहिर की। दोनों ने पुलिस को नक्सलियों की गोपनीय जानकारी दी। इसके साथ नक्सली सामग्रियों के ठिकानों का खुलासा किया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कुछ दिनों पहले हमने ये बताया था कि दो नक्सलियों को हमने कान्हा और हमारे कवर्धा जिले के बॉर्डर क्षेत्र से पकड़ा था। इनकी सूचना मिली थी कि कुछ कार्य से उधर पे घूम रहे हैं, और सूचना मिलते साथ हम लोगों ने इनको गिरफ्तार किया था, वहाँ से पकड़ा था। पकड़ के लाने के बाद जब इनको टेस्ट कराया गया, इनका मेडिकल टेस्ट, क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी, तो कोविड पॉजिटिव आए थे। कोविड पॉजिटिव होने के बाद इनको कोरोना सेंटर में भर्ती कराया गया, और जब ये ठीक होकर के आए तो इन्होंने ये मंशा जाहिर की कि हमको आत्मसमर्पण करने का मौका दिया जाए, क्योंकि शासन की भी मंशा है कि जितने लोग मुख्य धारा से भटक कर चले गए हैं वो वापस मुख्य धारा में लौटें। तो हम लोगों ने इनको आत्मसमर्पण करने का एक मौका दिया है, और इन लोगों ने काफ़ी सारे जो नक्सलियों से संबंधित गतिविधियों से संबंधित खुलासे हैं वो किए हैं हमारे सामने। इस इलाके में जो भी इनकी गतिविधि रही है उसके हिसाब से वो सारा कुछ इन्होंने बताया हमको, और काफ़ी सारा सामान भी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे इन लोगों ने बरामद कराया है। जो इनका डंप था पूरा भोरमदेव एरिया में, उसका पूरा सामान इन लोगों ने बरामद कराया है। तो आज इनको एक मौका देते हुए हम लोगों ने मुख्य धारा में लौटने का एक इनके लिए प्रयास कराया है। पकड़े गए नक्सलियों का सहयोग आगे भी मिलता रहे, इसलिए पुलिस विभाग ने इसे आत्मसमर्पण मानते हुए समाज की मुख्य धारा से जोड़ेगी। महबूब खान, ईटीवी भारत, कवर्धा।